everyone, I am Varsha and welcome back to my channel. Friends, I hope you all are doing very well. Friends, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल, यूनिक और बजट वॉल आर्ट। इस तरीके का वॉल आर्ट आप अपने पास रखी हुई चीज़ों से इजीली क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली ये हैंडमेड कैनवास। इस कैनवास में मैंने बकरम शीट यूज़ नहीं की है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ली है जो कि ऑलमोस्ट हम सभी के घरों में अवेलेबल होती है। ऑलमोस्ट क्या, ये जनरली हम सभी के पास होता ही है। तो आई होप कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा इंटरेस्टिंग वॉल आर्ट का DIY आपको पसंद आएगा। तो चलिए फिर बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल यूनिक वॉल आर्ट के DIY को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलरफुल वॉल आर्ट जिसमें मैंने टेक्सचर 3D फ्लावर्स बनाए हैं। इस तरीके के टेक्सचर फ्लावर्स अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं और सबसे बड़ी बात, इस तरीके के हैंडमेड कैनवास के ऊपर ये फ्लावर्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। ये एक बजट वॉल आर्ट है और आप इसे बहुत ही ईजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने हेक्सागन शेप के 6 कार्डबोर्ड पीसेस कट कर लिए हैं और दो दो पीस को आपस में फेविकोल लगाकर स्टिक कर लिया है, जिससे कि हमें एक फर्म अच्छा सा कार्डबोर्ड मिल जाएगा जब हम दो दो कार्डबोर्ड पीसेस को आपस में स्टिक कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दो दो कार्डबोर्ड पीसेस को आपस में स्टिक करके इनके 3 सेट बना लिए हैं। यहाँ पर मैंने जो दो कार्डबोर्ड पीसेस स्टिक किए हैं उनकी लेयरिंग को आप ज़्यादा भी कर सकती हैं, 3 से 4 कार्डबोर्ड पीसेस को आपस में स्टिक करके इनकी थिकनेस को बढ़ा भी सकती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर दो कार्डबोर्ड पीसेस को स्टिक किया है जो कि सफिशियंट है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से एक स्टिफ कैनवास बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमें कार्डबोर्ड पीसेस को कट कर लेना है। आप चाहें तो इनके पैटर्न को स्क्वायर, ट्राइंगल या फिर जो भी शेप में आप इस तरीके के वॉल आर्ट को बनाना चाहती हैं उस तरीके के कार्डबोर्ड पीसेस को कट भी कर सकती हैं। ये टोटली आपके ऊपर, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे देखिए 3 पीसेस रेडी हैं। अब मैं इसके ऊपर स्टिक करूंगी। मेरे पास इस तरीके का ये शॉपिंग बैग का फैब्रिक है। आपके पास भी जनरली इस तरीके के शॉपिंग बैग रखे होंगे, आप उन्हें बहुत ही ईजिली इन कार्डबोर्ड पीसेस पर स्टिक कर सकती हैं। ये फैब्रिक काफ़ी अच्छा थिक रहता है, काफ़ी स्टिफ रहता है। तो यहाँ पर मैंने इस फैब्रिक को इस शेप के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और फेविकोल लगाकर इन 3 पीसेस के ऊपर स्टिक कर लूँगी। यहाँ पर मैं बकरम शीट का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि जनरली हम सभी के पास बकरम शीट अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन इस तरीके के शॉपिंग बैग जनरली हम सभी के पास अवेलेबल होते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप कोई भी कलर का शॉपिंग बैग यहाँ पर स्टिक कर सकती हैं क्योंकि हम इसके ऊपर बाद में एक्रेलिक कलर से पेंट करेंगे। तो अगर आपके पास कोई डिफरेंट कलर के शॉपिंग बैग्स हैं तो आप उन्हें भी कट करके यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, है ना, ये एक बहुत ही ईजी वे इस तरीके के हैंडमेड कैनवास को घर पर बनाने का। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 3 कटआउट के ऊपर इस शॉपिंग बैग को स्टिक कर दिया है और स्टिक करने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद हम इसे पेंट कर लेंगे एक्रेलिक कलर्स से। यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कलर्स के डार्क कलर्स का यूज़ किया है। यहाँ पर एक पर मैंने ब्लैक, दूसरे पर डार्क ब्राउन और तीसरे पर डार्क ग्रीन कलर चूज़ किया है क्योंकि जब हम इसके ऊपर कलरफुल 3D फ्लावर्स बनाएंगे तो बेस अगर डार्क होगा ये तो काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी उठकर दिखेंगे। यहाँ पर आप बेस पेंट को अपने अकॉर्डिंग भी रख सकती हैं। तो देखिए, 3 हमारे कार्डबोर्ड के ये जो कैनवास हैं इनके ऊपर कलर होने के बाद हमें इन्हें अच्छी तरीके से ड्राई होने देना है। तब तक हम बना लेंगे हमारे फ्लावर्स के लिए टेक्सचर पेस्ट। तो टेक्सचर पेस्ट घर पे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून POP पाउडर, 2 स्पून फेविकोल और 2 स्पून वाटर। इन 3 की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखते हुए इसका एक थिक पेस्ट बना लेना है। अगर आपके पास POP पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी टेलकम पाउडर या फिर बेबी पाउडर का भी यूज़ कर सकती हैं। उससे भी बहुत ही ईजिली आप टेक्स्चर पेस्ट को घर पर बना सकती हैं। तो देखें, इन 3 को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमें चाहिए कलरफुल टेक्स्चर पेस्ट। इसके लिए मैंने इस टेक्स्चर पेस्ट को थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लिया है और इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ एक्रेलिक पेंट्स को। आपको जिस भी कलर का टेक्सचर पेस्ट बनाना है उसमें आप 1-1 टीस्पून एक्रेलिक कलर्स को मिक्स कर दीजिए और देखिए रेडी हो जाते हैं हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल से ये कलरफुल टेक्सचर पेस्ट जिनसे हम हमारे फ्लावर्स को बनाएंगे।
इन कैनवस पर अब मैं बना रही हूँ सनफ्लावर के पैटर्न्स। आप चाहें तो इस टेक्सचर पे से डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स को इस पर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पहले भी हैंडमेड कैनवस के ऊपर रोज़ के टेक्सचर फ्लावर्स का एक ट्यूटोरियल शेयर किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है कि आप किस तरीके से टेक्सचर पेस्ट से ब्यूटीफुल से रोजेस ईजिली बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सनफ्लावर के पैटर्न का, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप यहाँ पर कोई भी, अगर आपके पास इस तरीके का पैलेट नाइफ नहीं है तो आप यहाँ पर किसी स्पून से भी इन फ्लावर्स को ईजिली बना सकती हैं, या फिर फिंगर से भी इस तरीके के फ्लावर्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसकी मैंने 2 से 3 लेयर बनाते हुए इस तरीके से हाफ हाफ में ये 3 फ्लावर्स पर कैनवास पर बना लिए हैं, और ये बनने के बाद फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इसे बनाना ईजी है ही, और ये बनने के बाद सुंदर भी लग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही एक बजट क्राफ्ट है, बजट वॉल आर्ट है। आई होप कि आपको ये आइडिया पसंद आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तीनों कैनवास के ऊपर फ्लावर्स बन चुके हैं, और ये ड्राई होने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर कर रही हूँ थोड़े से गोल्डन स्ट्रोक्स, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। इसमें जब थोड़ा सा गोल्डन टिंट रहेगा तो ये इस वॉल आर्ट को और भी ज़्यादा सुंदर बनाएगा। इसके लिए मैंने लीव्स में और इन फ्लावर्स के बीच में ये हल्के से गोल्डन स्ट्रोक्स लगा दिए हैं, और तीनों कैनवास पर मैंने ये सेम पैटर्न बना लिया है। और ये बनाने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और एक इस गोल्डन कलर से बहुत ही सुंदर टच मिल रहा है इन कैनवास को। और ये है फाइनल लुक हमारे 3D फ्लावर्स वाले कैनवास का, हैंडमेड वॉल आर्ट का। आप इस तरीके का वॉल आर्ट को 100 रुपीज से भी कम में इजीली घर पे क्रिएट कर सकती हैं। और जब मैंने अपनी वॉल पर इसे स्टिक किया, आप इस वॉल आर्ट को इजीली 3 mm की जो डबल साइडेड टेप रहती है उससे इजीली स्टिक कर सकती हैं, क्योंकि ये वेट में बहुत ही ज़्यादा लाइट है। हमने कार्डबोर्ड से इसे बनाया है, तो ये वॉल पर स्टिक करने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वॉल आर्ट का इजी और यूनिक DIY? फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपने ये इंजॉय किया हो, आपके लिए ये थोड़ा भी यूजफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मेरे एक और इजी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।